अभी फिलहाल हम लोग हमें अप्पा में और इस वीडियो की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ओ ये क्या है? दही वड़ा। नीचे आओ देखो ज़रा, एक नई चीज़ आई अभी, रसमलाई लग रही है बिल्कुल, है ना? अच्छा यहाँ पे दही ऐसे ही रहता है? नहीं, ओह काफ़ी यूनिक चीज़ है ये, देखने में रसमलाई लग रही है, पर ये है दही वड़ा। इसको हम लोग ट्राई करेंगे। हम लोगों ने थोड़ा ना यहाँ पे जो ओनर है उनको एक्सप्लेन करा कि हम लोग क्या करते हैं और क्या दिखाते हैं, तो उन्होंने बोला एक आप ये ट्राई करिए, बहुत अच्छा है और ये तो फ्लैगशिप है। जो मैंने जब पुणे आ रहा था तो मैंने पूछा था लोगों से क्या खाना है, तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल खाना। तो हम लोग इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं, हम लोग साबूदाना खिचड़ी और दही वड़ा खा रहे हैं अप्पा से, और उसके बाद हम लोग आगे जाके पुणे का सबसे फेमस मिसल खाएंगे, जो लोग बोलते हैं सबसे पुराना बोलते हैं और सबसे फेमस कोट एंड कोट फेमस। बहुत सारे मिसल है पुणे में, तो हम लोग वो भी खाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो में रहेंगे गंदे जोक्स और अच्छा खाना पुणे में। फिलहाल ये पुणे फूड सीरीज़ का कुछ एपिसोड नंबर 7वां 8वां चल रहा होगा। बहुत अच्छा खाना मिलता है पुणे में, कभी ना कभी तो पुणे आना ज़रूर लाजमी है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छा, मैं कल वीडियो बना रहे थे हम लोग, तो एक जगह पे एक अंकल ने बोला मैं प्लीज़ निकल जाऊँ, वेट कर रहे थे। मैंने बोला ओ भाई साहब, लोग तो काट के निकल जाते हैं। यहाँ पे साथ में एक भैया बैठे हुए थे तो वो वेट कर रहे थे कि आप शूट खत्म करो। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, वो भैया चले गए, अचानक लेट हो गया। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम ही एडिट करते हैं। बट ये टेस्ट बहुत है अपने का, वो आप भी ट्राई करिए ना। मज़ा आया इसके साथ में, काकड़ी के साथ। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौशम्बी। कौशम्बी के साथ जो मज़ा है ना, एकदम मीठा मीठा सा टेस्ट है, और जो इसके अंदर आई थिंक मूंगफली डाली हुई है काफ़ी। मूंगफली क्या बोलते हैं, सिंगदाना, सिंगदाना मराठी में बोला जाता है। थोड़ा मराठी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, काफ़ी अच्छा है वो जो सिंगदाने का और जो काकड़ी का कौशम्बी का जो मीठापन है, और जो साबूदाने वड़ा का हल्का हल्का सा खच्चापन जो है ना, मतलब पूरा उच्छे से बिल्कुल वो नहीं करा हुआ है उसको, जैसे मशी मशी से नहीं करा हुआ उसके दाने हैं, तो वो जो टेक्स्चर है ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को। बस इनके ये चीज़ आप पास में आई है, दिखाता हूँ आपको। दही बड़ा है बेसिकली, और डेली इनका जो है ना ये चीज़ आपको सातों दिन मिलेगी, ये चीज़ इधर वाली, ये वाली जो चीज़ है ये डेली चेंज होती है, एवरी डे कुछ इनका स्पेशल होता है। तो आज दही बड़ा हम लोग ट्राई करें। अच्छा तो यहाँ पे जो ओनर है इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन, आप लोगों ने उनको बताया तो उन्होंने पहले बड़ा खिलाया साबूदाना बड़ा, और अब पीस मिसल, क्या कौन सा मिसल होता है, मटर हाँ, हरा मटर जो होता है, ग्रीन पीस उसका मिसल, ये काफ़ी डिफरेंट लग रही है। हाँ, और इसको साथ में ब्राउन ब्रेड के साथ सर्व किया हुआ है, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। इनका ये जो चीज़ है ना डेली चेंज होते रहते हैं। आज हम लोग वेंसडे को आए हैं तो इन पर ये खाना है, जो इनका मेन्यू मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा रहता है। पुणे के मौसम में ना, धूप के मौसम में सदा बाहर है ये। जितने भी दही बड़े खाए ना भाई, सबसे अलग, मतलब ऐसे गला पूरा ऐसे आपको पता चलता है, आपके फूड पाइप अंदर तक जाता है, ठंडा होता है, और सुमेध के मुंह में अभी पानी आ रहा है, कह रहा है कब कैमरा छूटेगा। मैं बोलता हूँ भाई तू कैमरा रोक दे, ऐसे मौके बार बार नहीं आते जिंदगी में, तू टेस्ट कर ले पहले। ऐसे है ना पूरा गले में ऐसे गया, लगा दही वड़ा लग रहा है, रसमलाई लग रही है, और नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर है ना। बहुत सही है, बहुत सही है, दिस इज वेरी गुड, द बेस्ट वे टू स्टार्ट दिस वीडियो। हम लोग खाने आए थे ये, कभी बार क्या होता है हम लोग खुद से चूज़ करते हैं ये, और साथ में अच्छा लगता है ये और ये, हमें ये पता भी नहीं था एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो अंकल है वो काफ़ी अच्छे थे, गुड हॉस्पिटैलिटी, बहुत अच्छा है। खिचड़ी मतलब अच्छी थी, बट बड़ा नेक्स्ट लेवल, उससे भी बढ़िया, बहुत सही। यूट्यूब पे डालते हैं हाँ, वेजी पाजी के नाम से, वेजी पाजी। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एक चीज़ खाने आए थे, आपने बड़े प्यार से दो और चीज़ें खिला दी, जिसमें से हम लोगों को ये खिचड़ी से भी ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगा, मैंने ऐसे कभी नहीं खाया, बहुत ठंडा और ऐसे अंदर गया ना, बहुत ताजगी आया।
अरे यार तुम ना ऐसा करो, खुद से आ जाया करो, डिग इन करा करो, क्योंकि मेरे को सामने खाना आया था, मैं ऐसे रख रहा था, खाना मिला खाना है कुछ डिफरेंट है। अच्छा है, वेरी डिफरेंट है, डजेंट टेस्ट लाइक अ मिसल, ट्राई करो भाई, मैं हार्ड टू एक्सप्लेन, मैं टेस्ट लाइक अ पीस ग्रेवी। हाँ जी, तो अलग अलग डे को अलग होता है। हाँ, मैंने बताया लोगों को इसमें फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, तो ये एवरी वेंसडे रहता है, इसमें कोई भी बाजार का मसाला नहीं है। अच्छा, मेरे को देशमुख जी ने अभी करेक्ट करा, हम लोगों को लग रहा था कि ये एक मिसल की वेरिएशन है कुछ है, उन्होंने मुझे बताया कि ये मिसल नहीं उसल है। देशमुख जी थैंक यू, आप लोगों ने आपने इतना बढ़िया खाना खिलाया, लोग आपके साबूदाने खिचड़ी की काफ़ी तारीफ करते हैं, पर मुझे ये जो है ना मतलब ऐसे ही निकली, बहुत बड़ा बहुत बढ़िया मिला, दही बड़ा आपका एकदम सरस छे। अभी हम लोगों ने कैसे लिया, ये फुल प्लेट है और ये हाफ, ये नहीं, ये शेयरिंग वाला है, शेयरिंग प्लेट है, इसमें ना ये वाला है ना एक ही प्लेट मिलता है और ये टू टाइम्स मिलता है, ठीक है, और ये भी टू टाइम्स मिलता है, ये हमको हाफ ऑफ करके शेयर करना पड़ता है। यहाँ पे ना रूल है, आपको एक प्लेट ही पर पर्सन खाना होता है, अगर आप ज़्यादा लोग, जैसे हम लोग अभी एक दो और मैं खुद तीन हूँ, तो हम लोगों ने क्या किया, 70 रुपीज़ का फुल प्लेट है, उसमें 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो आप शेयरिंग कर सकते हो और उसके 30 रुपीज़ में आपको ये और एक ये एक्स्ट्रा मिलता है, दैट्स इट, रीजनेबल। अब यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिसल्स ऑफ पुणे, हर लिस्ट में होता है, फूड के लिस्ट में, बट जो सबसे वियर्ड चीज़ है यहाँ पे, ये ब्रेड के साथ मिलता, पाव के साथ नहीं मिलता, ऐसा क्यों? इन्होंने स्टार्टिंग से मीन्स पहले पाव मिलते थे, बट जितना ये आता है ना क्रेज के कारण थोड़ा धीरे धीरे नहीं आने लगा, तो उन्होंने ब्रेड स्टार्ट कर दिया। पर ये जैसे अभी मैं सुमित से बात कर रहा था, सुमित कहता हम लोग घर में कभी कभार ब्रेड के साथ ही मिसल खाते हैं, मोस्टली आपको बहुत जगह पे ब्रेड के साथ भी दिया जाता है, घर में लोग खाना मिसल ब्रेड के साथ खाते हैं, जो प्रॉपर पुणे का ब्रेड ब्रेड के साथ प्रेफर करते हैं। अच्छा, और जो बाकी के लोग जैसे मेरे जैसे दिल्ली वाले, उनको पाव के साथ मिसल खाना है। दोनों नींबू नहीं छोड़ो, छोड़ा थोड़ा 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 कुछ कुछ रहता था, क्या रहता था वो यार, हिमांशु अरोड़ा ब्रेड का पकौड़ा, नींबू नहीं वे। तो यहाँ पे ये जो मिसल है ना, मिसल तो मिलते हैं कुछ अलग अलग टाइप के मिसल मिलते हैं, जितना हम समझे, जैसे आपने अभी दो या तीन वीडियोस पहले जो लास्ट ब्रेकफास्ट वाली वीडियो देखी थी पुणे की, उसके अंदर आपने देखा था मिसल, पोहे वाला फ्लैट बेस्ड था, ये वाला बटाटे वाला है, और इसका जो फ्लेवर जो मेरे को जितना समझ आ रहा है कि इसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स मिला के जो इसका कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ताबड़तोड़ होगा। अब इसका क्या करना है, ये स्पाइसी ज़्यादा लगे तो डालो, ओ स्पाइसी कम लगे तो डालो, स्पाइसी नहीं, इससे ये तरी था ना, हाँ, और ग्रेवी, हाँ, तो मिसल का जो रस्सा रहता है तो कैसे इसको बोला जाता है, हाँ, तो यू कैन डायरेक्टली टेक दिस, हाँ, वन एट अ टाइम या फिर एक साथ, एज यू वांट द क्वांटिटी यू वांट, जैसे आपको चाहिए वैसे। समझ गया, तो कहने का था पर नमक और मिसल की तरी स्वाद अनुस्वाद, अच्छा गाइड कर रहे हैं पुणे वाले लोग बैठे हैं, वो बता रहे हैं कैसे खाने। स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी नहीं है, स्पाइसीनेस थोड़ा सा कम किया, बहुत कम कह रहे हैं, और प्लस क्या ब्रेड जो है ना, ब्रेड थोड़ी सी मीठी होती है, तो उससे और कम हो गया, मतलब अभी जो हम लोगों ने लास्ट दो मिसल खाए हैं, जितने भी मिसल मैंने पुणे में खाया, और एक ना नॉन महाराष्ट्रन की जो परसेप्शन होती है ना मिसल के बारे में, वो होती है कि तीखा, जो मेरे को यहाँ पे आके समझ आया कि ऐसा तीखा नहीं होता, ये सब मन का वहम है, इसको घर छोड़ के आओ, तो ऐसा है कि मिसल इज़ वेरी फेमस एंड वेरी गुड, बट अपने दिमाग में यार अभी भी वो ही कीड़ा है तीखे वाले मिसल का और पाव के साथ मिसल का, जो पुणे के लोग जो होते हैं वो घर पे ब्रेड के साथ ही खाते, पाव के साथ इतना ज़्यादा नहीं खाते, प्रेफर करते, बट अपने को आदत है तो अपने को वैसे वाला पसंद है, बट अदरवाइज दिस इज़ वेरी गुड प्लेस,
एंड फॉर समबडी लाइक सुमेर जिसको ज़्यादा तीखा खा के दिक्कत होती है उसके लिए उन जैसे लोगों के लिए ये मिसल इज वेरी गुड. दिक्कत में हिचके आते हैं ना काफ़ी लोगों को आती है. मेरा एक दोस्त है मयंक उसको भी उसके साथ मैंने मोमोज चैलेंज करा था उसके साथ मैंने स्पाइसी मोमोज चैलेंज करा तब उसने नहीं बताया जब बहुत स्पाइसी मोमोज थे दो मोमोज खा लिए फिर उसको हिचके आने लगे. कह रहा मेरे को तो हिचके आते मैंने बोला पहले क्यों नहीं बताया. चलो बाहर चलते कुछ और खाते इसको ख़त्म करते हैं तो आपसे बात करते हैं. बाबू आपको मिसल पसंद है ये वाला बेस्ट मिसल एवर ओल्डेस्ट इन पुणे वेरी व्हाट अबाउट यू नहीं इसका जो है नहीं अभी ये क्या उसके साथ आया मेरे को कोकोनट. ओह कोकोनट भी डाला उसका फ्लेवर आया ना. हाँ बहुत अच्छा मींस एक अलग ही फ्लेवर आया तो कोकोनट भी डालते हैं हमारे इधर हमें लगी जो फर्स्ट टाइम मिला हुआ है उसका जब कोकोनट का फ्लेवर आया ना अलग ही मजा आया. ये वैसा टाइप का मिसल है कि इसको आप तीखा बनाओगे तो गड़बड़ हो गया इसका क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स ही वही वाले हैं. देखा बढ़िया हल्का हल्का उसका ऑयल आ रहा है और बहुत सही वो अलग ही फ्लेवर दे रहा है ना. कोकोनट बहुत सही है कोकोनट वाली बाइट लेना ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. कोकोनट वाली बाइट से मेरे को एक्चुअली अच्छा लग रहा है. दिस इज शेगाओं कचौड़ी. यस इसके अंदर धनिया रहता है. कितना प्राइस होता है इसका? वैसा इसका 12 है हमारे इधर 10 रुपये का दो है. 10 से 12 रुपये के आसपास का इसका प्राइस रहता है. हम लोगों ने ये इधर से लिए है डेक्कन जिम खाना से. सिंपल से ज़्यादा कुछ इतना बताने का नहीं है. इसके अंदर बेसिकली दाल रहती है और इसके जो स्टफिंग होती है अंदर की दैट इज़ द स्पेशलिटी. उससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है लाइक अ क्विक स्नैक. इसका फ्लैट होती है. हाँ इसके साथ एक चाय की टप हो तो अच्छा और नहीं रहेगा. तो बगल में चाय मिल रही है 5 रुपए की ले ले एक स्पेशल चाय. पहले कचौरी खा के ले. हाँ ठीक है डन. धनिया की चटनी बड़ी अच्छी है घर की. चाय की जरूरत नहीं है इसके साथ है ना. अच्छा अपने अपने चाय बहुत सही है. बहुत खस्ता कचौड़ी है और अंदर की जो सभी है ना धनिया का काफ़ी फाइन फ्लेवर है. जो चटनी है ना वैसे इसको धनिया की चटनी के साथ खाते नहीं है ना. मेरे को सुमित बता रहा है इसको धनिया की चटनी के साथ खाते नहीं है पर उसने सोचा कि मैं दिल्ली वाला हूँ तो मेरे को शायद ऐसे पसंद आएगी तो उसने डलवा ली और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. मेरे को खाने का बेस्ट तरीका मिर्ची के साथ. अरे क्या लिया बस कब आए अभी थोड़े. कैसा लगा? बहुत बढ़िया. ये लो खाओ. क्रंची है ना? हाँ बहुत सही. आप अगर मेन शेगाव कचौरी खाओगे ना मेन जो शेगाव का है हाँ. आप तो फैन ही हो जाओगे पूरा. कहाँ पे है वो? वो मतलब एक शेगाव एक टेंपल है एरिया जैसे शिरडी है ना यहाँ से 400 किलोमीटर दूर. हाँ थोड़ा सा दूर हो जाएगा. अच्छा मस्त है. बहुत मस्त है. शेगाव कचौड़ी वैसे होता क्या? ये दाल है. एक जगह है शेगाव. शेगाव मतलब एक शहर छोटा सा शहर है. गजानन महाराज का मंदिर है इसके बक्शिप टेंपल एरिया है वो. अच्छा शिरडी समान साईं बाबा का है वैसे गजानन महाराज का शेगाव मतलब एक उनकी समाधि है वहाँ. तो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है शेगाव कचौड़ी. हाँ मतलब वही से चालू हुआ है मेन सर्टिफाइड पूरी मस्त एकदम तरीके से. फिर वो ट्रैवल होते होते बाकी सिटीज में आने लग गई. भाई ये तो मेरे को कचौड़ी इतनी बढ़िया लगी कि सुमेद बेचारा कैमरा के पीछे ही रह के शूट कर रहा है और वो अपनी अलग कचौड़ी लेगा. अब ये मैं खुद खा रहा हूँ पूरी. बहुत टेस्टी लगी. बहुत क्योंकि आपने ऐसे दिल्ली में तो अलग टाइप की खाई होगी वो बड़ी वाली. वो ऐसा नॉर्मल ये कैसा अंदर ये ऐसा खुलता नहीं है. ये देखो बहुत पतली होती है पर इसके अंदर का मसाला काफी अच्छा है. बहुत अच्छा है. बढ़िया अच्छा. ध्यान से देखिए इस आदमी को. इसका नाम है ऋतिक और ये जब मेरे से मिलता है कुछ ना कुछ लेके आता है. लास्ट टाइम ये पता नहीं क्या क्या लेके आया था. लास्ट टाइम जलेबी लेके आया था और एक दो और चीज़ें लेके आया था. अब ये घर की चकली लेके आया. ये लो खाओ घर की बनी होममेड चकली. नाइस है ये दो. थैंक यू सो मच. तुम भी खाओ. खाता हूँ मैं तो मेरा ही है. <गर... laughs>
ओए ये बड़ी सही चीज़ लग रही है पूरा, ये तो एकदम ऐसा ग्लेज लग रहा है ना पूरा, गुड़ का ग्लेज है। ये तुम्हारे होम टाउन का है? हाँ। यहाँ से कितना दूर होगा? 400 किलोमीटर? 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर। अच्छा नागपुर के हो ना तुम? हाँ। नागपुर के पास के चिक्की टाइप सा है ये? हाँ। वो नाइस, बहुत सही, मतलब देखने में बहुत क्लासी लग रहा है। आंटी को थैंक यू बोलना। हाँ ठीक है। और जब मिलता है मेरे को कुछ ना कुछ देता है ये, आई थिंक मेरे से तीसरी चौथी बार मिल रहा है, हर बार कुछ ना कुछ लेके आता है। नाइस ऋतिक, थैंक यू सो मच आंटी फॉर दिस, थैंक यू सो मच।